वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला. और आज का जो सेलिब्रिटी कॉर्नर है, इसमें जो सेलिब्रिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी उस बंदी की मैं जितनी तारीफें करूँ ना, वो कम है. क्योंकि एक तो वो मेरी दोस्त भी है, और वो मेरी दोस्त इस वजह से है कि वो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत प्यारा हस्ती है, और आजकल जो वजह शोहरत है वो उसकी हंसी ही है. हमारे साथ मौजूद है नाजिया बे. क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक सोनिया, थैंक यू वेरी मच. इतना बड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया है, बहुत छोटा सा है. बाकी तो मैं आपसे जरा पूछती हूँ ना, बाकी सारे मामलात कैसे मिजाज है, सबसे पहले तो ये बताओ. अल्लाह का शुक्र, एवन फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र. बड़ी आप फ्रेश लग रही हैं, सुबह में आपको कोई मसले मसाइल नहीं हुए? नहीं, वो होते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि मेरी आंखें पफी होती हैं. मेरी अम्मा मुझे आके उठा के कहती हैं, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे फेस पे स्वेलिंग होगी, तो हमने आपको नॉर्मल तो कर लो थोड़ा सा. और बेचारी नाजिया इतनी बिजी होती है शूट्स में, मैंने कहा टाइम लाजमी निकालना है. और कुछ ऐसे बात जो है, कुछ हमारे प्रोग्राम्स यहाँ से हो रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन कराची मूव होने वाला है शो, तो मैंने कहा उससे पहले पहले मैं बुला लूँ नाजिया को. बड़ी फरमाइशें आई हुई थी. अच्छा, सबसे पहले तो हंस के दिखा दो ना. वो कोई बात होगी तो आज के दिखाऊंगी, ऐसे हंस के दिखा दूं. मुझे इतना जो कोई मिलता है वो कहता है यार एक दफा लाइव नाजिया से कहे हंस के दिखा दे. मतलब इतना प्यारा कोई कैसे हंस सकता है? अच्छा, ये इस चीज़ का मुझे खुद भी नहीं पता था सोनिया. मतलब मेरे फ्रेंड्स और अभी भी मेरे फ्रेंड्स काफ़ी जब मैं हंसती हूँ तो मेरा मजाक ही उड़ाते हैं. मतलब वो प्यार से उड़ाते हैं या वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ पर गौर नहीं किया था कि एक ये लाफ्टर जो है मेरा, वो मेरी पहचान बन जाएगा. लोगों को होता है ना कि यार एक्टिंग होगा, आंखें या लुक्स होंगी, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा जो लाफ्टर है वो मेरी पहचान बन जाएगा. लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका नवाजने का तरीका वो किसी भी तरीके से. और आज से पहले कभी नहीं सुना था कि यार वो फलाने बंदे की हंसी बहुत अच्छी है. अच्छा नहीं, मेरी अपनी लाइफ में ना दो तीन मेरे जहन में खवातीन एक्ट्रेसेस हैं, मतलब वो पाकिस्तानी नहीं है ऑब्वियसली, तो वो हंसती और वो फिर बात करती बहुत प्यारा थी. वो मेरे जहन में था, लेकिन मैंने कभी भी, मतलब अब मैं सोचूं अगर कि मैंने शायद उनको कभी सोचा हो कि मैं उनकी तरह हंसूं या बोलूं, वैसा कुछ नहीं था. लेकिन वो अब मुझे लगता है कि शायद उस तरह से लाफ्टर जो है ना, वो मेरी बाकी पहचान बन गई है, नो डाउट. अच्छा, आप करियर के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से आना हुआ इस तरफ, एक्टिंग की तरफ, शोबिज की तरफ. एज यूजुअल जैसे सब कहते हैं, हादसाती कारनामा था ये. एक हुआ ये था कि कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वहां पर रैंप पे, क्योंकि मॉडल्स कम थी, लोकल हम लोगों ने की हुई थी, को बहुत टॉप की नहीं थी, तो उसमें रैंप पे चलने का मौका, उस वक्त मेरा, मैं थोड़ी सी कंट्रोल्ड थी, तो उसमें रैंप पे चली मैं, तो वहाँ पे कुछ आए हुए थे होस्ट हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के, तो वो उन्होंने फिर जब मैंने प्रोग्राम खत्म किया तो दे ऑफर्ड मी के इस तरह एक गेम शो है एंड वी लुकिंग फॉर अ फीमेल होस्ट, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट अस नो. आई वाज सो एक्साइटेड, आई आस्क्ड माय मॉम, माय फादर वाज नॉट इन टाउन, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं कर लूं इस तरह होस्टिंग. शी वाज परफेक्टली फाइन, शी सेड जस्ट कि तुम अपनी पढ़ाई का जरा उस पर रखना, इस तरफ अगर चली गई तो फिर निकल ही जाओगी. तो वो वाली सारी चीज थी, मुझे कभी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि नहीं करना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ये वाला जो लवली. माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा इतना दिल खुश होता है. मतलब मेरी एक दो दफा जो मुलाकात हुई नाजिया के पेरेंट्स से, ब्यूटीफुल फैमिली, बहन भाई, मतलब भाई जो है उनमें भी इतना प्यार है, फादर मदर जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बाकी बहुत अंडरस्टैंड, वी आर लाइक फ्रेंड्स, बिल्कुल माँ बाप वाला रिश्ता तो है ही. एट टाइम्स माई फादर सेज, कभी तुमने मुझे बाप समझ सकते हो नहीं, तो मतलब हम कहते हैं कि यार जिस तरह का आप लोगों ने एनवायरनमेंट दिया, वो इतना कंफर्टेबल, इतना फ्रेंडली है कि हम आराम से कोई भी बात कर सकते हैं. वाकई मैं मिसाल दे रही होती हूँ लोगों को, माशाल्लाह माशाल्लाह फैमिली की. और हम जहाँ पहले जिस चैनल में, खैर अभी भी नाजिया माशाल्लाह उसी चैनल के साथ है, हम लोग इकट्ठे काम किया करते थे, उसी जगह में होती थी, तो मैं हमेशा देख रही होती थी नाजिया को, कभी भाई छोड़ने के लिए आ रहा है, फिर लेने के लिए आ रहा है, फादर छोड़, वो इतना क्यूट लगता था कि जैसे बड़ा पैम्पर कर रहे हैं बेबीज की तरह. वरना एक होता है ना, एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो कहते हैं चलो भाई आप खुद. नहीं सोनिया, शायद वो मुझे छोड़ भी दे, वो छोड़ भी देते हैं अभी भी, जैसे मैं आई हूँ, मैं खुद ही आई हूँ, लेकिन हमारे मुल्क के हालात इतने इनसिक्योर हो गए ना कि वो हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे अपने लोग, लेकिन हालात इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि वो अपने तौर पे ये तसल्ली करना चाहते हैं कि यार बेटी हमारी जहाँ हमने ड्रॉप करना था वहाँ पे है, और वहीं से हम उसे पिक करेंगे, तो वो सेफ है जहाँ पे है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन, नो प्रॉब्लम. अगर ये सेटिस्फेक्शन वो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. मुझे तो बड़ी क्यूट बात लगती है, बल्कि अच्छा लगता है ना, कोई आपका इतना ख्याल रख रहा है तो ये एटलीस्ट, मतलब आजकल इतना मसरूफ टाइम गुजर रहा है, तो पेरेंट्स अगर ये इतना कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है. सही. अच्छा नाजिया, करियर का यानी कि आगाज किया तो वो जो गेम शो था उससे किया, होस्टिंग से, बेसिकली होस्टिंग से शुरू. सही. फिर उसके बाद एक्टिंग की तरफ. अच्छा, पीटीवी स्टेशन में होता ही है पाकिस्तान टेलीविजन में, कि वो सारे का सारा होमली एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर ना सारे लोग फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं,
तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है सच कि आप क्यों यहाँ आए और क्या करें। तो जब मैं वो गेम शो की रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, वहाँ पर ही मुझे दो तीन मतलब लॉन्ग प्लेस की ऑफर हुई। उसके बाद जो पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था एज इन प्रोजेक्ट, वो एक एनजीओ के लिए था, शीरिंग पाशा उनको डायरेक्ट कर रही थी, उनकी बेटी इनफैक्ट वो उनको डायरेक्ट कर रही थी, तो उसमें मैंने शुरू किया। फिर जो मेरा अपना जो पक्का वो सीरियल था ना, जिसको कहते हैं एक लॉन्च टाइप की थी, वो था आठ कनाल की जन्नत, जो दिलावर मलिक के साथ मैंने किया, वो उन्होंने डायरेक्ट किया, वो लाहौर में ही था, तो वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी। तो वो मेरे एकदम से दो तीन चीजें, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है और लोग कम है और काम ज्यादा हो रहा है, तो उसमें जो कोई आता है ना, तो हर किसी की कोशिश होती है बस फॉरन से कास्ट कर लें और वो नजर आना शुरू हो जाना स्क्रीन पे। तो वो वही वाली चीज मेरे साथ हुई थी। उस दौर में चैनल्स भी बन रहे थे सारे के सारे, 2003-2004 की बात करी, तो वो सब कास्टिंग वगैरह हो रही थी, तो प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे आना शुरू हुए। तो आगाज कब किया करिएगा, 2003 में मतलब गेम शो मेरे पास 2003 में आया था, कोई उससे पहले कोई चीज नहीं हुई, कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा बिल्कुल सोचा भी, मतलब ये था कि हाँ यार एक क्रिएटिव फील्ड है, क्योंकि मैं खुद आर्ट से मेरा ताल्लुक है, तो वो क्रिएटिव फील्ड है, तो ये सोचती जरूर थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इसको मैंने एज एन करियर ले लेना। तो इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। सही, जबरदस्त। अच्छा पता है बड़ी मुझे वो होती है एक्टिंग, तो खैर मुझे लगता है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मतलब होस्टिंग की एक्टिंग की दोनों में क्या डिफरेंस देखा और मजा किसमें सबसे ज्यादा आता है? दोनों में आता है। होस्टिंग में यू आर द किंग, सही है, आपने अपनी मर्जी से पूछना है और अगले बंदे को जवाब देना पड़ेगा और अगला बंदा दबके भी बैठे उल्टी बात ना कर दे, हां आंखें भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिंग में ये होता है कि एक्टिंग में यू आर नॉट योरसेल्फ, सही, योर प्रिटेंडिंग, हाँ वो कैरेक्टर जो आपको दिया जाता है, तो इट इज मोर फन, आप जो नहीं हो आप वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हो, ठीक है। तो वो एक ऑल ऑफ अ सडन आपकी ख्वाहिश, कभी बंदे की ख्वाहिश होती है ना यार मैं कोई प्रिंसेस बन जाऊं, सही, ठीक है, सही। तो आपके पास अगर लकीली वो कैरेक्टर आ जाए जिसमें आपने प्रिंसेस, तो आप वो बन जाते हो, फिर आप वो फील भी करते हो, ठीक है, और फिर उसको उसी तरह परफॉर्म भी करते हो, तो उससे वो मतलब दोनों अलग चीजें हैं और दोनों की बड़ी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है, दोनों परफेक्ट फील्स हैं, सही। अच्छा मैं जब मेरी नाजिया से दोस्ती नहीं थी तो मैंने उसके एक दो सीरियल्स देखे हैं और ऑनेस्टली माशाल्लाह करेक्टर के अंदर जैसे कहते हैं ना जान डाल देती, इतनी अच्छी एक्टिंग की हुई थी और करती हो माशाल्लाह से, और जिससे बात हो यही बात कहता है कि एक्टिंग वाकई बहुत कमाल की करती, होस्टिंग तो माशाल्लाह से चल ही रही है बहुत अच्छी। कुछ सीखा, मतलब होता है इंसान सीखता है अपने सीनियर से, या शुरू से था टैलेंट ये एक्टिंग वाला? अच्छा ये कह सकते हैं कि स्कूल में और कॉलेज में मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में रहती थी, इंटरेस्टेड थी, मतलब आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मैंने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाके नहीं कहा अम्मी मैं पास आ गई, अम्मी मैं सेकंड आ गई, आई वाज एन एवरेज, हां एवरेज मतलब पास हो गई बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पास हो गई। तो उसमें दूसरी जो थी एक्टिविटीज़, उसमें मेरा ज़रा ध्यान और फोकस ज़्यादा होता था, स्पोर्ट्स में भी ड्रामाज एक्टिंग स्किट्स वगैरह बना लेने, लेकिन फिर वही बात आती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको एज एन करियर लूँगा। और जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई, हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे मुल्क में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पर एक आर्टिस्ट को फ्लरिश करने का मौका मिले अपने आप को, ठीक है, तो वो विद द टाइम आप यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली। और हाँ ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो, क्योंकि आजकल के जो नए आ रहे हैं ना, बस हम ही हम हैं, हम नहीं, हम सीख के आए हैं, हम सीख कर आए हैं, हमने ना कुछ सीखा है, अच्छा वहाँ जहाँ पे हम ये सोच लेते हैं ना कि हमने सीख लिया, हाँ तो हम सीख के आए, आपका वो फुल स्टॉप होता है, सही बात है, फिर यू कैन नॉट ग्रो, सही बात है। तो वो ये आजकल के जो नए लोग आए हैं ना, वो सीख कर आए हैं, वो सोच कर आए हैं, वो तौहीन समझते हैं किसी से कुछ पूछने या सीखना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? हसन इस्लामाबाद से। जी हसन, क्या कहेंगे? बस मैं कहना ये कि मैडम जो आपने गेस्ट आज बुलाया है, सबसे खूबसूरत इजाफा किया अपने प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छी गेस्ट हैं ये और जो आपकी मेहमान है आज, आप यकीन करें कि इनकी वजह से घर में फटा हो जाता है। अच्छा क्यों क्यों? अरे मेरी कहती 20 साल हो गए मेरी हंसी कभी पसंद नहीं आई, तुम लोग सारा कुछ छोड़ के ये देखते हो बैठ के, तो हालांकि इनका ड्रामा तो जैसा था लेकिन ये हंसी ने हम सबको, और इनका प्रोग्राम होता है रात को, हम लोग आराम से आके बैठ जाते हैं, सही, और बेगम का बस चले तो टीवी बंद कर दे, ओए होए ये देख ले दो, शक्ल तो आपसी मिलती है बेगम की भी मेरी, लेकिन मसला है कि हंसी नहीं मिलती, बहुत अच्छी हंसी है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, घरों में खड़े हो रहे होते हैं कई घरों में,
हाउ स्वीट हसन, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. देखा फड्डे करवा रही हो यार तुम लोगों के घर पे. आई स्वेयर मेरी बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप लोग सुकून से रहें, मतलब लाफ्टर मजा एंजॉय करें ना, आप मेरे साथ एंजॉय करें, मैं एंजॉय करती हूं. एग्जैक्टली सोहेल साहब की बातें वैसे वाकई बड़ी बात है, कमाल सोहेल साहब की, उनका जिक्र तो मस्ट है ना, माशाल्लाह ही इज अ लिविंग लेजेंड. सही, ठीक है, और इतना ब्रिलियंट और इतना कंप्लीट परफॉर्मर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब वो भी गॉड गिफ्टेड है ना उनकी तरफ, और बैठे बैठे मैं हैरान होती हूँ जिस तरह उनको आमद हो रही होती है, इन अदर वर्ड्स माशाल्लाह कमाल है. सही बात है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब वाकई सब के साथ, हाँ ये पूरी टीम, पूरी टीम के साथ कैसा लवली एक्सपीरियंस. अभी तक दो साल माशाल्लाह दिसंबर में पूरे हो जाएंगे, तो इन दो सालों में तो परफेक्ट एक्सपीरियंस है मेरा. अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सीनियर्स जो है बड़ा हार्ड टाइम देते हैं. सोहेल साहब बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है सर बिल्कुल भी, उनसे ज्यादा मैं उनको देख के सीख रही हूँ. पता है मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं थी सोनिया, मतलब सीखने का तो ऑब्वियसली अमल चल रहा होता है, लेकिन पेशेंस ख्याल रखते हैं सबका, बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं, दूसरा वो मौका देते हैं आपको आगे जाने का. सही, ठीक है, अगर आप मेरा कोई सजेशन उनके पास चला जाए, मैं कहूँ कि जी इस तरह नहीं, अगर हम इस तरह कर लें, तो वो उसको ये नहीं कहते कि नहीं तुम चुप कर बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, वो आने देते मौका हैं, देते हैं, वो मौका बहुत देते बड़ी हैं, बात बहुत, बहुत आज इस मकाम पे इसी वजह से वो कल, बल्कि हम दो दिन पहले मिल रहे थे, रात को बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि सुहेल साहब जो है वो कभी नहीं देखा कि इतने लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है कि कोई